कच्चे और पक्के आम के साथ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आई डू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब की दुआ के साथ जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। मेरी ये दुआ जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराते रहें, इसीलिए एक दुआ के साथ अपने वालों का करती हूँ जी आगाज़। तो रिक्वेस्ट है जितने मेरे प्यारे बहन भाई मेरे चैनल पे नए, उन सब से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कमेंट होते हैं जी आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई। तो प्लीज़ हौसला अफजाई कर दीजिएगा, क्योंकि आज जो है ना मैं बना रही अपने व्लॉग में ये शेयर कर रही हूँ कि मैं बना रही हूँ जी अपने घर पे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली, मैंगो की फ्रूटी बना रही हूँ जो हम बनाएंगे कच्चे और पक्के दोनों आमों से, तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। और जो महंगे महंगे बॉटल्स में मिलते हैं केमिकल होते हैं उसमें एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा ताकि आप भी पता चले कि ये मैंगो फ्रूटी कैसे बनती है। तो अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बहुत ही ज़बरदस्त आप भी मैंगो फ्रूटी बना के अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकती हैं, मज़ेदार मेहमानों को बना के खिला सकते हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं छीन लेती हूँ ये कच्चे वाला आम। मैंगो फ्रूटी के लिए हमें दो तरह के आम चाहिए, कच्चा और फुल पका हुआ। एक मैंने आम जो है ना वो कच्चा छील लिया है, अभी मैं जो ये पका हुआ आम है ना इसको भी पील उतार लेती हूँ, छिलके इसका रिमूव कर लेंगे जी। माई टू फैमिली, कोशिश करिएगा जब भी आप मैंगो ये फ्रूटी बनाएं ना, तो जो जाले वाला आम होता है ना जिसके कहते हैं ना मूछों वाला आम, वो आपने कभी भी नहीं लेना जाले के बगैर लेना, जिस आम में जाली होती है ना वो आपने नहीं लेना। अगर एग्जांपल वो आ भी जाता है तो आप जो है ना, जैसे मैं अभी पेस्ट बनाऊँगी तो पेस्ट बनाने के बाद आपने उस पेस्ट को छानना ज़रूर है, तो फिर आपकी जो है ना वो मैंगो फ्रूटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी जी। माई टू फैमिली, मैंगो जो थे आम थे उनका मैंने दोनों आमों को पीसीस में काट लिए, अभी हम बनाते हैं जी इसका पेस्ट। तो मैं डालती हूँ जी इसको जग के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोनों आमों को एक साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देती हैं। इसके अंदर तकरीबन मैंने लिया है जी, ये देखिए छोटी सी छन्नी है, और तकरीबन एक कप डाला मैंने इसके अंदर पानी। अभी मैं रख के मशीन के ऊपर इसको चलाती हूँ ताकि इसका पेस्ट जो है अच्छे से बन जाए। तो माई टू फैमिली, कढ़ाई मैंने रखी हुई जी चूल्हे के ऊपर, और ये जो मैं आम का हमने पेस्ट बनाया था बिस्मिल्लाह ये डाल दिया जी कढ़ाई के अंदर, और ये इसका है जी ओरिजिनल कलर माशाल्लाह से। जो पेस्ट मैंने ऊपर रखा हुआ है, अभी मैं तकरीबन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये दो छलियाँ इसके अंदर डालूंगी जी चीनी की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाएगी, पता ये चलेगा जो हमने चीनी इसके अंदर डाली है ना वो पक चुकी है, तब तक हम जो है इसको पकाएँगे। तो इसको तकरीबन हमने 10 से 12 मिनट तक के लिए चूल्हे पे आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते जाना है, और इंशाल्लाह ताला मज़ेदार सी मैंगो फ्रूटी बन के तैयार हो जाएगी जी। तो माई टू फैमिली, ये देखिएगा माशाल्लाह से जो है ना मैंगो फ्रूटी हमारा ज़बरदस्त रेडी हो चुका है, देखिए कितना ज़्यादा थिक हो गया, और जो चीनी थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से वो भी पक चुकी है। अभी मैं डालती हूँ जी इसके अंदर वाइट सिरका, बिस्मिल्लाह, वाइट सिरका क्यों डालते हैं, वाइट सिरका इस वजह से डालते हैं ताकि हम जो है ना शरबत को जो हमने बनाए हैं लॉन्ग टाइम चला सकें, जूस कह सकते हैं, शरबत कह सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार जो है ना मैंगो फ्रूटी तैयार हो चुकी है। अभी हम उतारते हैं जिसको चूल्हे के ऊपर से नीचे और इसको ठंडा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जग में हम जो है वो जूस तैयार कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे। जूस अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो ना ठंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फुल जो है ना ठंडा हम पानी डालेंगे इसके अंदर। गिलासों में हमने जो है ना बर्फ थोड़ी थोड़ी डाल दी है उसके साथ भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केमिकल से पाक बहुत ही मज़ेदार टफ रोटी बन के तैयार हो चुके हैं। हमारा जो है ना मैंगो फ्रूट बचा हुआ है ये हम डालते हैं जी जार के अंदर खाली में ताकि इसको सेव कर सकें। फ्रिज में रखेंगे और जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है या आपका दिल चाहता है, बच्चे स्कूल से आते हैं या आप बाहर से आते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मज़ेदार सा जो है ना मैंगो फ्रूट निकालें, गिलास में बर्फ़ डालें या ठंडा पानी डालें, मज़ेदार सा शेक करें, यमी सा बना के पिए जी। तो माय यूट्यूब फैमिली ये देखिएगा, दो थे सिर्फ मेरे पास आम पके हुए, एक था जी कच्चा आम जिसका मैंने बनाया जी अपने ही घर पे बहुत ही मज़ेदार मैंगो फ्रूटी। ये पूरा जार भी मैंने भर लिया है ठीक है, और पूरा जग पूरा जो जग है ना वो भी मैंने बना के अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी किए। उसके साथ साथ ये दो गिलास भी रेडी हैं जी। तो माय यूट्यूब फैमिली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ट्राई कर सकते हैं। आप सबका जी तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मिलते हैं जी एक नई वीडियो नए वीडियो के साथ, तब तक लिए मुझे दी गई इजाज़त अपनी दुआ में खसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब की मदद फरमाए और हम सब की अल्लाह पाक परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़। ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा।